पॉइंट्स मिलेंगे 12 या 10 एंड उनके साथ 5 किल पॉइंट्स। यहां पे हाइलाइट्स की अगर बात करें ओशन, तो हाइलाइट्स में लिपोपका से लेकर क्वेरी तक जो हमारा जोन पूरा का पूरा प्लेन पाथ गया था एंड वहां से दिक्कतें आई थी। सबसे पहले ओमन एलिट के जूते के लिए जो कि उनके ऊपर प्लेयर्स चढ़ चुके हैं वो पानी के अंदर थे एंड ये सबसे पहला स्क्वाड वाइप। मेरे को एक सेकंड के लगा कि फुटबॉलिस्ट के लिए दिक्कतें आ रही है, आप देखो इनके ऊपर स्प्रेस पड़ रहे हैं, बट देन इन्होंने एक तरीके से माइंड गेम खेला, पीछे गए वहां पर प्लेयर्स को ये सोचने में मजबूर किया कि ये वीक है, बट देन बहुत प्यारे तरीके ड्रॉप शॉट भी उन्होंने काउंटर कर लिया। हर एक चीज के लिए तैयार थे वो लोग एंड यही चीज यहाँ पर डेटोनेटर ने किया। जो जूटे अकेले बचे हुए थे स्प्रेस दिए, क्रेट बनाई, पानी के अंदर तो कोई रिवाइव का चांस था ही नहीं एंड ओमन एलिट यहीं से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रख पा रहे थे गेम के अंदर। ये चलती गाड़ी के ऊपर जो प्रॉपर स्प्रे दिया उसके बाद खत्म किया। ये होता है कि अगर आपको किल्स चाहिए, आप ये नहीं चाहोगे जोन छोटा हो रहा था, आप ये नहीं चाहोगे कोई और आपके किल्स उठाए, ये 1v4 टाइप सिचुएशन था, बट देन यहाँ पर डेटोनेटर्स को जोन के बाहर की दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी थी स्लोली एंड स्टेडली। उस चीज का फायदा उठाया दलजीत ने, प्रॉपर टीम्स को खत्म किया एंड INDI को इतना ऊपर तक पूरी की पूरी टीम लेकर गई एंड फाइनल ये जो फाइनल फाइट थी 1v2 का सिचुएशन, जैसी स्प्रे आने शुरू हुए गन का वो दिख गया कि किधर से गन की फायर आ। देखना होगा यू नो थ्रू आउट द डे इन लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। टेम्पो स्टॉर्म 2 पॉइंट्स पीछे है पार्टी गेमिंग से, तो वो अगर उसको टॉप 4 के एरिया के अंदर रहना अगले गेम के अंदर उनको जल्दी नहीं मरना पड़ेगा, बिकॉज इस गेम में जो उन्होंने रश किया वो बहुत टेबल हमारा 9-16 विक्ट्री 5-54 वो क्लोज है स्टिल टीम नंबर 8 के, बट देन ये क्लोजनेस वो बढ़ा सकती है टीम नंबर 8 बिकॉज उसको आगे जाना पड़ेगा। इनसीडियस ने एक जंप मारा है, छोटा सा INDI ने जंप मारा है, स्लोली INDI गेम में वापस आ रही है जो लेते हुए जो डेफिनेटली इनको बहुत ही प्यारा पुश देगा। बात करते हैं यहाँ पे हाइलाइट्स की, यही कमबैक गॉस के लिए चाहिए था और यही हाइलाइट्स के अंदर मैं शो करूंगा पूरा कैसा कमबैक था। आप देख सकते हो प्लेन पाथ जो साउथ से नॉर्थ था, हर एक टीम के पास एक डाइवर्स एरिया था लूटने के लिए उतरने के लिए। ऑरेंज आप देख सकते हो सबसे नीचे के एरिया पर गए थे, एसटीएन में तो उनके ही जस्ट ऊपर थे, रेड की स्क्वाड एकदम लेफ्ट वाले राइट वाले साइड पे गई थी एंड ये फर्स्ट ब्लड जो निकालना शुरू किया था, सीरवी को डाउन किया था बहुत तरीके से। यहां से एसजी के लिए दिक्कतें पड़ चुकी थी, एसजी का गेम यहां से डगमगा गया था। मैं चाहूंगा दोबारा से कमबैक कर पाए अगर टीम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। V5 ने बहुत अच्छा तरीके से गेम दिखाया पूरा एंड एसिरियन ने तो एंड तक आगे तक जो पूरा अपना गेम अपनी टीम के लेकर गया। यहां पर एक हेडशॉट था, हेल्थ उनकी बहुत कम, 10 HP हो गई थी एंड यहां पर मूविंग जो शॉट दिया गया इसके बाद वाला वो बहुत प्यारे तरीके से डाउन किया। टेम्पो की स्क्वाड ने अपना टेम्पो थोड़ा सा डगमगा दिया, जल्दी यहां पर फिर से अच्छी टीम्स एलिमिनेट हुई, BTR भी एलिमिनेट हुई, मेगा भी एलिमिनेट हुई। यहां पर INDI के लिए दिक्कतें पड़ चुकी थी, ये इन्होंने पहले डाउन किया लेकिन जूते ने जो थोड़ा ओवर कमिट करके जोन से बाहर रहे, थोड़ा पेशेंस का गेम प्ले निकाला, वहां पर पूरा डेटोनेटर्स खत्म किया INDI ने। उनके पास सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं था क्योंकि उनको जोन में जाना था एंड जोन 6 था तो ऑब्वियसली डैमेज देता। स्प्रिंग आप देख सकते हो 10 मीटर भी नहीं होगा, 1 मीटर दूर रह गए थे जोन से एंड वहां पर खत्म। एंड मीनवाइल ये जो फाइट थी 1v1, एक दूसरे के क्लोज, एक दूसरे के साथ टेम्परामेंट बिठाते हुए AST वर्सेस गॉसकिला, गॉसकिला को अपर हैंड मिला, दूसरा चिकन डिनर उनकी झोली में, तो मेरे ख्याल से गॉसकिला यहां से यू नो कॉन्फिडेंट हो चुकी होगी। यस एंड यहां पे इंटरेस्टिंग चीज था, लुनेटिक ने फर्स्ट मूव किया 27 पॉइंट्स से, मतलब अभी भी सेफ है, 6 पॉइंट से सेफ है इन लोग यू नो टॉप 3 स्पॉट के लिए। एंड यहाँ सेकंड पीस की अगर बात करें, INDI इंचिन कर रही है 62 पॉइंट्स है, बट यस INDI नीड्स टू हैव 1 गेम जिसपे 25 से 30 पॉइंट आए, वरना ये 10-10 पॉइंट वाला सिलसिला काम नहीं आएगा किसी भी टीम के लिए जो कि सेकंड पेज में है। यहाँ पे INS काफी ज्यादा ड्रॉप करते हुए तक पूरा का पूरा गेम गया। ये प्लेन पाथ थोड़ा सा डिफरेंट था, INDI अपने ड्रॉप पर के जोन का लॉस लेना था एंड जोन उनको बहुत अच्छे तरीके से फेवर किया। उसके बाद जो इंडियन टीम्स की फाइट्स हुई वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आई बिकॉज पहले SG ने ऑरेंज के साथ फाइट ली थी, उनके 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए, बट देन वहां पे उनकी INS के साथ जो फाइट हुई वहां पे SG फॉल शॉर्ट हो गई। ऊपर का एरिया आप देख सकते हो, V5 गई थी वहां पे, पार्टी टाइम गई थी, कितनी टीम गई थी, सबसे पहला जो फाइट निकला था एंड यहां पे फर्स्ट ब्लड निकाला था ऑरेंज स्टॉकर ने एंड इन्होंने डाउन किया था लुनेटिक को खत्म करने के बाद इनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि इन्होंने टीम को डाउन कर दिया, बट देन यहां पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रन था जो कि ऑरेंज ने किया था एंड SG ने उसका फायदा उठाया। ऑस्टिन पहले अकेले फाइट ले रहे थे, पीछे से बैकअप मिला एंड वो बैकअप था 3 प्लेयर्स डाउन करने के लिए एंड 1 प्लेयर को डराकर भगाने के लिए। वो डर अगर आप बिठा देते हो किसी टीम के यू नो माइंडसेट में वो एक बहुत सही चीज होती है एंड मेगा की तो जितनी तारीफ करी जाए कम है। गन के साथ फाइट ली, फर्स्ट स्टेट के साथ फाइट ली, फाइनल सर्कल में जैसी भी फाइट रही सब इनके फेवर में आया एंड 22 किल्स नॉट अ जोक एंड ये बहुत प्यारी चीज थी। आपको ये चाहिए कि अगर आप टैप कर रहे हो, ये स्प्रे नहीं था, ये टैप था लॉन्ग रेंज पे एंड वो टैप भी M4 से बहुत प्यारा निकाला। ये INS वर्सेस सिनर्जी जो निकल कर आया, यहाँ पर 1 HP के अंदर स्मोकी बचे बट स्टिल उन्होंने अपनी हेल्थ लगाई जब उन्होंने पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया एंड ये एक जंप शॉट मेगा किस तरफ से आया। मेगा स्टोन ने तो जो गेम दिखाया यहाँ पर ऑनलाइन स्टोन, इन लोगों ने अंदर घुस घुस के टीम्स को मारा, फिर वापस बाहर आए, तो दैट मीन्स किसी के एरिया में जाकर मारा। एंड इस लेयर का जो बाउंस ग्रेनेड था पीछे से एक बार बाउंस होकर आया, वो रिफ्लेक्टेड ग्रेनेड बहुत प्यारा था एंड टेम्पो
टेम्पो बहुत अच्छा खेल रही थी, बट देन एक जो गलती इन्होंने करी जो ओपन के अंदर फाइट लिया, यहाँ पर जैसे मेगा के अगेंस्ट फाइट लिया, वहां पर टेम्पो का टेम्पो लूज हुआ। बट मेरे ख्याल से अभी के लिए बहुत सही था इनका गेम प्ले। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे जीएसके में भी लास्ट में सत्सुरा ने थोड़ा लेट कर दिया था, यहाँ पे ऑनलाइन 24 ने इतना प्यारा स्पॉट लेके रखा था कि यू नो वो एग्जिट स्पॉट को जो जहां से उनको पता था कि गौसकिला की पूरी टीम निकलेगी वहां पे एडीएस खोल के बैठे थे, एंड यहाँ पे सत्सुरा लेट करते हुए फर्स्ट एड लगाने में, एंड जिसके वजह से टॉप थ्री रहेंगे। बीटीआर भी बहुत ज्यादा सेफ है फॉर नाउ। गौसकिला इज फाइनली कमिंग बैक, पार्टी गेमिंग इज फाइनली कमिंग बैक, एंड टेम्पो स्टॉर्म 2, मतलब सारे पोजीशन जो आईएनडी के पास अभी है, अभी तो वैसे जो ऊपर वाली टीम से वो ये ट्राई करेंगे कि आज फर्स्ट या सेकंड नहीं तो मैक्सिमम टॉप थर्ड में वो आ जाएं, जब आज का डे एंड होगा तो टॉप थ्री में वो फिनिश करे कुछ भी करके, एंड वही चीज थर्ड से लेकर के एट्थ वाली टीम। हमने स्टार्टिंग में देखा फ्लाइट पाथ थोड़ा सा चेंज देखने को मिला था, वर्टिकल फ्लाइट पाथ था, टीम्स ने अपने ड्रॉप चेंज किए थे, जैसे कि एसजी सेवर्नी गई थी अर्ली में, एएसटी के एक दो बंदे को पिक ऑफ किया था उन्होंने, पर यहाँ पे आईएनएस का बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी था भीष्मा के पास, अगर उनके साथ एक प्लेयर और होता जो स्प्रे कर रहा होता देन उन लोग रेड के पूरी स्क्वाड को वहाँ पे वाइप आउट कर सकते थे। कार्टून्स अल्टीमेट एक ही किल ले पाए थे रेड के मैक्सन से, हाइट एडवांटेज काफी अच्छा था भीष्मा के पास, थोड़े शॉट्स एक्यूरेसी और होते तो दो तीन प्लेयर ले गिरता वो। यहाँ पे आईएनएस वर्सेज एसजी की फाइट हुई थी जहाँ पे एसजी ने काफी अच्छे तरीके से आईएनएस को पहले आईएनएस से काफी अच्छे तरीके से सिबी को नॉक किया। एंड द स्टैंड आउट पॉइंट जो था यहाँ पे लुनेटिक का 1v4 जो था M249 लेके, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से वो बार बार नीचे ऊपर जाके नॉक कर रहा था, वापस आ रहा था ऊपर आके अपने टीममेट को अपॉर्चुनिटी दे रहा था ओपोनेंट को कि यू नो उन लोग गलतियां करें और वो उनको फिनिश ऑफ करे। यहाँ पे फुटबॉल इसके लुआज इन जैसे कि आपने देखा था जीएसके के बंदे को बहुत ही प्यारे तरीके से पिक ऑफ किया मिनी विथ होलोग्राफिक यूज करके, एक्यूरेसी काफी अच्छे थे शॉट्स के, जिसके वजह से गौसकिला भी इस टीम में इस गेम में ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। पर मेगा इनके बारे में क्या ही कहना, हर गेम में यू नो डोमिनेशन, तो मतलब ये टूर्नामेंट इनका ही वन साइडेड डोमिनेशन चल रहा है। बीटीआर क्लोज है बट देन मेगा की परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग एंड नेक्स्ट लेवल। मेगा ने जो गेम प्ले दिखाया कुछ भी हो जाए, आखिरी प्लेयर का किल नहीं मिला लेकिन उनके पास एक चीज जरूर थी कि वो था चारों प्लेयर्स अलाइव, बहुत बड़ी चीज होती है। एंड मेगा ने भाई जैसा थक ने बोला बूफे लगा दिया, बैंकर या फुटबॉल इस बैलेंस मेंटेन करके चल रही है। गौसकिला भी पोजीशन पॉइंट से बैंकर है क्योंकि उनके पास दो चिकन डिनर था। जी बिल्कुल, और मेगा पहली ऐसी टीम है जो कि एक्चुअली नो 100+ विनर पॉइंट्स लेकर अपने पास बैठी हुई है, सो दैट मींस मेगा ने डोमिनेशन शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इंडियन टीम ने करना पड़ेगा, बट ये आता है वो टेबल ऑफ कंसर्न जो सबके लिए कंसर्निंग पॉइंट है, हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर साउथ एशिया से तीनों टीम्स एक दूसरे के आसपास है, 11, 12 और 13, 28, 25 एंड 29 के किल्स हैं, बट देन पोजीशन की अगर बात करें तो ये नियर अबाउट यू नो 7th या 8th पोजीशन के आसपास हैं, बट गेम प्ले जितना बिगड़ा अभी वो बिगड़ना इनके लिए बहुत भारी पड़ चुका है। एंड स्वॉट 69 अच्छा गेम प्ले निकाला था बट स्टिल यस विल गो ओवर टू द हाइलाइट्स, एंड हाइलाइट्स के अंदर आप देख सकते हो डोब्रो मेसो से त्रेवनो का एरिया था, हम सोच रहे थे कि जोन किधर बनेगा तभी जोन अपर एरिया का शिफ्ट लेता है, तो जो जो टीम जोन के बाहर थी उनको जोन में मूव करना था। इनिशियली सबसे पहला जो फर्स्ट ब्लड आया वो एसजी ऑस्टिन के अगेंस्ट आया, वो डाउन होकर फिनिश हुआ क्योंकि वो अकेले हो चुके थे। सो सिनर्जी गेमिंग को ये चीज देखना पड़ेगा कि कैसे वो ये वाली गलती ना करें, अकेला प्लेयर बचता है, अकेला प्लेयर एक एरिया पर रहता है तो उसके ऊपर चार प्लेयर्स का चढ़ने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर वी5 की जो फाइट हुई थी बहुत प्यारी फाइट थी, डेटोनेटर्स के प्लेयर ने ऊपर घुसने से पहले एक मोलोटॉप कर दिया था, यहाँ पर ग्रेनेड्स वगैरह सब थ्रो किए, बट देन जब V5 ऊपर गया तीन प्लेयर्स नॉक हो चुके थे ऊपर जाते जाते क्योंकि वो मोलोटॉप सामने आया, डेटोनेटर शायद पूरा पूरा स्क्वाड ले जाते लेकिन एक प्लेयर बाहर ही रहा। ये चीज देखते हो कि कैसे वो अपने टीम प्लेयर्स को रिवाइव करेगा, चारों प्लेयर्स ऊपर जाते तो यहाँ पर V5 के लिए अर्ली गेम में जीत ही हो सकता था, बट देन जीएसके की स्क्वाड, अब यहाँ पर जीएसके निकोला की हम तारीफ कर सकते हैं, सारा गेम एक तरफ था एंड वो उनका अकेला गेम संभालना एक तरफ, जक्सी ने पहला प्लेयर रेड का डाउन किया, दूसरा प्लेयर डाउन किया, 10 HP में वो बचे थे, कुट डाउन हो गए, बट देन तब तक एक चीज कर गए वो था लोकेशन बताना, एंड रेड का प्लेयर जो दूसरी तरफ देख रहा था वहां पर बीटीआर के प्लेयर्स के निकालते थे, दो अच्छे गेम निकाले एंड तीन अच्छे गेम निकाले, तीन गेम में एएसटी का लुनेटिक, दो गेम में एएसटी का लुनेटिक बचा था एंड इस गेम में भी उन लोग सेकंड आए, तो वही बात है कि यू नो एस्टीरियन मिड यूरोप के टीम्स यू नो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप एस्टीरियन मिड की बात कर लो, फुटबॉलर्स की बात कर लो, दे आर इन कंटेंशन फॉर द यू नो टॉप थ्री एंड यहाँ पे आईएनडी 85 पॉइंट्स के साथ 10वें स्पॉट पे, तो अगर मैं गलत नहीं पकड़ा था 114 पॉइंट पे थे वहां पे, तो 29 पॉइंट का फर्क है, ऑब्वियसली वो चिकन डिनर की वेट है, बट यस यहाँ पे अगर आईएनएस सिनर्जी की बात करें तो काफी ज्यादा लैग कर रहे हैं पर जीते ये लोग। एंड ये हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, आईएनडी ने गेम प्ले शुरू किया ब्रिज के पास निकाला, पीटीआर जिन्होंने कि इस गेम में अर्ली एग्जिट ले लिया उनके लिए गेम अनफॉर्चुनेट था, मेगा के स्क्वाड को भी आईएनडी ने खत्म किया, बड़े-बड़े स्क्वाड्स को आईएनडी ने खत्म किया, आईएनएस ने भी अच्छी फाइट्स ली, बट देन जो फर्स्ट ब्लड निकला यहां पर
V5 के प्लेस के लिए। ग्रेनेड ने रेड के अगेंस्ट सारा का सारा गेम प्ले लेकर जा चुके थे, सो मेरे ख्याल से यहाँ पे V5 के अगेंस्ट पूरा का V5 ने रेड के अगेंस्ट पूरा का पूरा गेम प्ले कर दिया एंड एक ही प्लेयर रेड का बचा जो कि कुछ नहीं कर सकता। यहां से टीम INT ने स्टार्ट किया, स्लेयर ने स्वॉट 69 के एक प्लेयर को डाउन किया, खत्म किया, ये खत्म करना दिखा चुका था कि वो कितना एक्सपोज वो यू नो कंपोज गेम प्ले निकाल रहे हैं, कितना ज्यादा आगे जा रहे हैं। यहां पर मेरे को समझ नहीं आया कि BTR के प्लेयर ने क्या किया, वो स्पॉट नहीं कर पाया, क्या दिक्कत। एंड एक अकेला प्लेयर बचा था ग्रेनेड के अंदर, क्रेट ही बन सकती थी एंड वही हुआ यहां पर। ओमेनिटी ने काफी अच्छे तरीके से स्पॉट किया था प्लेयर को, स्प्रे करना शुरू किया एंड यहां पर तो उस प्लेयर के लिए कुछ बचा ही नहीं था। टेम्बो के प्लेयर्स यहां पर दिक्कत दे रहे थे, वो अपना कंपोजर खो रहे थे, बट देन INT कमिंग अप विद एन अमेजिंग अमेजिंग विन, एक अच्छा चिकन डिनर एंड यहां से तो बस मेरे को लगता है अब यहां से टीम INT के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पे उनको शायद 34 पॉइंट्स मिलेंगे जो एक बार में उनको सीधे भेजेंगे टॉप फोर की तरफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल्दो हाँ, टेम्पो स्टॉर्म ने काफी होल्ड किया तो टॉप फोर नहीं तो बट टॉप फाइव डेफिनेटली, एंड काफी क्लोज कॉल हो जाएगा अब थर्ड स्पॉट के लिए क्योंकि फुटबॉल कॉस्किला की जो टीम थी वो काफी अर्ली एलिमिनेट हो गई थी, तो आई डोंट थिंक इतनी अब प्रॉब्लम होना चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत ही शानदार अमेजिंग चिकन डिनर हमें देखने को मिला एंड फाइनली तो बहुत ही प्यारे डे थ्री के लिए यू नो गियर्ड अप रहेंगे INT का। हम ये कह सकते हैं कि इनको ऊपर जाने के लिए 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन जो इनके नीचे टेम्पो स्टॉर्म है उनको भी ऊपर जाने के लिए इनको अगर उनको पीछे करना है तो 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। एंड अगर नीचे के टेबल की हम बात करें, सारी टीम्स 11 टू 16 आप देख सकते हो कंसिस्टेंस है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए हर टीम को।